सूजी का दूध वाला हलवा बहुत ही ज्यादा यमी बनता है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बनके तैयार होता है और सूजी का हलवा वैसे भी लोग बहुत ज्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहे हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी एक्सप्लोर करते हैं स्टार्ट। सूजी का दूध वाला हलवा बनाने के लिए हम एक पैन लिए, पैन के अंदर ऐड करेंगे एक कप सूजी, इसके अंदर इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे रोस्ट, 5 से 6 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे। सूजी इसमें ऐड कर दिए, इसमें लो फ्लेम पे से करेंगे रोस्ट, मतलब इसको हम करेंगे ताकि सूजी के अंदर से खुशबू आने लगे और उसका कलर भी तब्दील हो जाए। 5 से 6 मिनट के अंदर ये रोस्ट हो जाती है सूजी, बहुत अच्छी से इसमें खुशबू भी आ जाती है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। अच्छी तरीके से भुन चुके, इसका कलर चेंज हो चुका है, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसका हम करेंगे फ्लेम को ऑफ, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं आपको बताते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे हम रोस्ट हुई भी सूजी, ये देख सकते हैं रोस्ट हुई हमने इसमें सूजी इसमें ऐड कर दी है। तो हमने रोस्ट हुई सूजी 1 कप इसमें ऐड कर दिया, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप मिल्क, बॉयल हुआ 1 कप मिल्क का हम क्या है इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम सूजी के अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप मिल्क सूजी के अंदर और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारी सूजी सोख हो जाए, और ये रोस्ट हुई सूजी और ये सोख हो जाएगी तो ये फूल भी जाती है। 1 कप मिल्क इसमें ऐड कर दिया, तो बॉयल किया हुआ से अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया, इसे हम 30 मिनट के लिए रखेंगे सोख करने के लिए ताकि हमारी फूल जाए। इसके तमाम लम्स को उसको ख़त्म कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करके। इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया था 1 कप, इसे अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया, इसको हम कवर करके रखेंगे 30 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरीके से सोख हो जाए, मतलब ये भीग जाए। इसको हम कवर करके रखते हैं 30 मिनट के बाद। सूजी का दूध वाला हलवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले अब करना है इसका शीरा तैयार। यहाँ हमने एक पैन लिया, पैन के अंदर हम ऐड करेंगे 2.5 कप पानी, यहाँ हमने 1 कप ऐड कर दिया। अब इसके अंदर 2 कप, अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1/2 कप, यहाँ हमने 1/2 कप पानी ऐड कर दिया, ये हो गया 2.5 कप पानी। यहाँ देख सकते हैं हमने 2.5 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है, पानी ऐड कर दिया शीरा बनाने के लिए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 5 अदद हरी इलायची जिसे हमने बीच में से खोल लिया है, अब उसको हम इसमें ऐड करेंगे। 1 कप शुगर आपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, कम या ज़्यादा। शुगर इसमें ऐड कर दी है हमने, 5 अदद हरी इलायची ऐड कर दी है। सूजी का दूध वाला हलवा बनाने के लिए हमने 2.5 कप पानी लिया, पानी डालने का हमने इसमें 5 अदद हरी इलायची ऐड कर दी, इसका हमने 1 कप उसमें शुगर ऐड कर दी और उसे हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि हमारी शुगर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। 5 से 6 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे लो फ्लेम पर ताकि हमारी शुगर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और हमारा एक बेहतरीन सा शीरा बनके तैयार हो जाए। देखिए हमारी शुगर अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और शीरा हमारा बनके तैयार हो चुका है। इनको कर देंगे ऑफ, हमारा शीरा बनके रेडी हो चुका है। फ्लेम ऑफ करने का फिर आपको दिखाएंगे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं। देखिए 30 मिनट हो चुके हैं, उसका हम कवर करके आपको उसका लुक दिखा देते हैं सूजी और मिल्क का। ये देख सकते हैं सूजी और मिल्क अच्छी तरीके है, सूजी ने मिल्क को सोक कर लिया है, इसको हम करेंगे अब कुक। दूध वाला हलवा बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे 1 कप घी। हम अब तैयार करेंगे सूजी का दूध वाला हलवा, अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, 1 कप हमने घी लिया था, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम जिसमें सोख हुई भी हम घी को ऐड करेंगे, सोख हुई भी सूजी, इसकी हम अच्छी तरीके से करेंगे भुनाई। सूजी सोख हुई भी इसमें ऐड कर दी, इसकी हम करेंगे अच्छी तरीके से 6 से 8 मिनट तक। ये जब घी नजर आ रहा है बिल्कुल जस्ट हो जाएगा, सूजी अपने अंदर सोख कर लेगी और बिल्कुल नज़र नहीं आएगा कि हमने घी ऐड किया है। सूजी को हम घी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे, ये देख सकते हैं जितनी ज़्यादा इसकी भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका हलवा बन के तैयार होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। और सूजी का हलवा हर कोई बहुत ज़्यादा शौक से खाना पसंद करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा झटपट बन के तैयार हो जाता है। अच्छी तरीके से कुक हो रहा है, उसकी खट्टा होता जा रहा है, उसका घी गायब हो चुका है और इसकी बहुत अच्छी तरीके से हमें करनी है इसकी भुनाई। 8 मिनट लग चुके हैं हमें इसे कुक करते करते, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून किशमिश और 2 टेबलस्पून बादाम पिस्ते हसबे ज़रूरत। यहाँ हमने शीरा जो तैयार करके रखा है उसको हम ऐड करेंगे इस हलवे के अंदर और उसको इससे हम कुक 8 मिनट तक और कुक करेंगे। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन था हमारा हलवा बनके रेडी हो रहा है, शीरे को बहुत अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे ताकि सूजी इसको भी सोख कर ले अपने अंदर।
बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। शीरा डाल के इसे कुक कर रहे हैं, 8 मिनट तक हम लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे और उसकी करेंगे मज़ीद भुनाई। सूजी और दूध का जो हलवा हमारा अच्छी तरीके से कुक हो रहा है लो फ्लेम पे, और ये देख सकते हैं पैन भी छोड़ता जा रहा है, इसे मज़ीद भूनना है। जितना ज़्यादा भूनेंगे उतनी ही ज़्यादा आपका हलवा बेहतरीन बनके तैयार होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनके तैयार होगा, बहुत ज़्यादा मीठा मीठा स्वीट स्वीट। ऐसा चम्मच चलाते रहना है, उसकी भुनाई करते जाना है। और ये ऑयल भी देख सकते हैं सेपरेट होता जा रहा है इसका, जितनी ज़्यादा भुनाई होगी ऑयल सेपरेट होता जाएगा। ये देख सकते हैं कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, कितना अच्छा ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। बहुत ईजी होता है, बस भुनाई ज़रा करेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, मगर वैसे बहुत ईजी है ये। यहाँ देख सकते हैं दूध और सूजी का हलवा जो हमने बनाया है, उसके अंदर ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स कैवड़ा एसेंस, ताकि इसके अंदर मज़ीद खुशबू पैदा हो जाए। वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनके तैयार होता है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक फ्लेवर के साथ तैयार होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करते हैं। कितना घी है इसके अंदर, कितना हम इसे भूनते जा रहे हैं और घी इसका सेपरेट होता जा रहा है। अभी हम मज़ीद इसे भूनेंगे, 5 से 6 मिनट और हम मज़ीद इसे भूनेंगे। सूजी का दूध वाला हलवा हमारा रेडी हो चुका है, इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है, घी हमारा सेपरेट हो चुका है। इसको हम दिखाएंगे और डिश आउट करने का इसका फाइनल लुक। सकते हैं सूजी का दूध वाला हमारा हलवा हो चुका है रेडी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनके तैयार होता है। हमने गार्निश करा चांदी के वर्क के साथ, बादाम पिस्ते के साथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होता है। बहुत इजी रेसिपी है, आपसे ज़रूर बनाई कर लुत्फानंदोज़ होइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, हमारी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।